इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स है। बता दें कि अब तक 9 आईपीएल खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 बार खिताब अपने नाम किए हैं और अब आगामी सीजन के लिए भी तैयारियों में लगी हुई है। गौरतलब हो कि आईपीएल 2019 का पहला मुकाबला भी चेन्नई को ही खेलना है, जिसके सामने विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम बेंगलुरु है। वहीं आज हम इस आईपीएल फ्रेंचाइजी के टॉप 3 बल्लेबाजों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना के बारे में। बाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को हुआ था। रैना 2008 से चेन्नई के लिए खेल रहे हैं। हालांकि बीच में 2 साल तक सीएसके पर प्रतिबंध लगा, तो उन्हें गुजरात लायंस के लिए खेलना पड़ा था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रैना आज आईपीएल के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भी बल्लेबाज हैं, जिनके नाम 4985 रन हैं। और अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। झारखंड के रांची शहर में जन्मे महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे खतरनाक मैच फिनिशर हैं। बता दें कि इनका जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। माही ने आईपीएल में अब तक 175 मुकाबलों में 4016 रन बनाए हैं और ये चेन्नई सुपर किंग के सबसे बेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूर्व कप्तान शेन वॉटसन पिछले साल आईपीएल में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 2 शतक बनाए थे। बता दें कि चेन्नई के इस दिग्गज ने अब तक आईपीएल में कुल 117 मुकाबलों में 3177 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शानदार शतक भी हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि चेन्नई की टीम इस बार 3 बड़े दिग्गजों और कई अन्य खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाली है और अपना पहला मुकाबला अपने होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाला है, जहां विराट कोहली की टीम का सामना होगा। तो दोस्तों, ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को ये खिताब दिलाने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।